अरे बच्चों, इस वीडियो में प्लस वन क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 10 स्ट्रेट लाइन की मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22। अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2 रिफ्लेक्ट्स ऑन द एक्सिस एट पॉइंट ए। मान लीजिए हमारे पास ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है और एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 2, यहाँ पे कोई पॉइंट है। यहाँ से एक रे ऐसे रिफ्लेक्ट होती है एंड द रिफ्लेक्टेड रे पासिस थ्रू द पॉइंट 5, 3। 5, 3 में से ये पास कर रही है, ठीक है। तो जो हमारे पास, अगर मैं इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करता हूँ तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हमारे पास इक्वल होता है। मान लीजिए ये अल्फा और ये भी अल्फा, तो ये दोनों एंगल हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल। और किस पॉइंट पे, ए पर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो हमारे पास क्या होगा, लेट दिस इज ए 0। एक्स कोऑर्डिनेट मैंने ए मान लिया और वाई कोऑर्डिनेट्स हमारा क्या होगा, 0 होगा। किस पॉइंट में से पास कर रहे हैं, लेट दिस इज बी पॉइंट ले लिया मैंने। बी पॉइंट हमारा क्या दिया हुआ है, 1, 2, और फिर रिफ्लेक्टेड सी पॉइंट, सी पॉइंट हमारा है 5, 3, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए, हमें बताना है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, इस ए की वैल्यू हमने बतानी है। लेट रे पासिंग थ्रू, बी पॉइंट ले लिया मैंने, 1, 2 रिफ्लेक्ट एट ए, ए के कोऑर्डिनेट्स ए 0 एंड पासिस थ्रू, रिफ्लेक्ट होके कौन से में से पास कर रही है, सी में से, 5, 3। अगर मैं ए ओ यहाँ पे परपेंडिकुलर ले लेता हूँ तो हमारे पास क्या बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दैट मीन्स हमने क्या ले लिया, अल्फा। इसको भी मान लेते हैं, सी ए पी मान लेते हैं हम, एंगल सी ए पी। लेट एंगल सी ए पी मैंने क्या मान लिया, थीटा, ठीक है। ये हमने एंगल थीटा मान लिया। अब हमें इसका थीटा है तो ये हमारे पास अल्फा प्लस थीटा कितना बन जाएगा, 90 बनेगा। एंगल ओ ए पी, एंगल ओ ए पी हमारा बन जाएगा अल्फा प्लस थीटा, दैट इज 90। यहाँ से मैं अल्फा की वैल्यू निकालूँ तो मेरा क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। मुझे एंगल बी ए पी भी लेना है तो एंगल बी ए पी हमारा बन जाएगा 2 अल्फा प्लस थीटा। 2 अल्फा, अल्फा हमारा 90 माइनस थीटा है, तो 2 × 90 माइनस थीटा प्लस का थीटा, 180 माइनस 2 थीटा प्लस का थीटा, दैट मीन्स 180 माइनस थीटा हमारा ये वाला एंगल हो गया, ठीक है। अब स्लोप ऑफ सी ए लीजिए, स्लोप ऑफ ए सी, y2 − y1, 3 − 0, 3 − 0 एंड 5 − a, दैट इज स्लोप क्या होता है, टेंजेंट थीटा। सो टेंजेंट थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या बन गई, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 3/5 − a। ऐसे ही मैं स्लोप ऑफ ए बी निकाल रहा हूँ, स्लोप ऑफ ए बी y2 − y1, दैट इज यहाँ पे एंगल हमारा कितना बन रहा था, 180 माइनस थीटा, तो टेंजेंट 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू y2 − y1, 2 − 0/1 − a। टेंजेंट 180 माइनस थीटा माइनस ऑफ टेंजेंट थीटा 2/1 − a। माइनस इधर लेके जाऊंगा तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी, 2/a − 1 हो गया। इसको यहाँ पे ले जाएं, a − 1। सो यहाँ से इक्वेशन 1 और 2 से टेंजेंट थीटा हमारा इक्वल है फ्रॉम 1 और 2, 3/5 − a इज इक्वल टू 2/a − 1। 3a − 3, 10 − 2a,
5a और ये इधर हो गया 13, सो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 13/5. सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ a, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर, ए की वैल्यू तो हमारे पास 13/5 है, एंड वाई कोऑर्डिनेट्स हमारा क्या है, 0 है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 23, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट्स रूट ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर 0 एंड माइनस रूट ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर 0 टू द लाइन एक्स अपॉन ए कोस थीटा प्लस वाई अपॉन बी साइन थीटा इज इक्वल टू 1 इज बी स्क्वेयर. जो डिस्टेंस है प्रोडक्ट का, सॉरी डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होगा, बी स्क्वेयर के. सॉल्यूशन देखें, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है जो हमें गिवन है, दिस इज एक्स अपॉन ए कोस थीटा प्लस वाई अपॉन बी साइन थीटा इज इक्वल टू 1. अगर मैं ए बी से मल्टीप्लाई कर दूं इनके एलसीएम से तो मेरे पास ये बन जाएगा बी ए कैंसिल हो जाएगा, तो बी कोस थीटा, बी कोस थीटा इंटू एक्स प्लस ए साइन थीटा इंटू वाई इज इक्वल टू ए बी, और माइनस ए बी इस तरफ ले लेते हैं, माइनस ए बी इज इक्वल टू 0. लेट दिस इज इक्वेशन 1. ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी वन ऑफ रूट ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर 0 टू इक्वेशन 1. यहाँ से परपेंडिकुलर इसके ऊपर से इस पॉइंट से निकालेंगे तो डी वन की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या होगा, दिस इंटू बी कोस थीटा क्या होता था, डी हमारे पास होती है ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर. सो ए एक्स वन, ए यहाँ पे हमारे पास क्या है, बी कोस थीटा, बी कोस थीटा इंटू रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, बी वाई वन ए साइन थीटा इंटू प्लस का ए साइन थीटा इंटू 0 एंड माइनस ए बी डिवाइडेड बाई रूट ऑफ इसका कोफिशेंट स्क्वेयर बी स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा प्लस ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा. ठीक है, ये वैल्यू तो हमारे पास क्या हो गया, 0 ही हो जाएगी. सो यहाँ से वैल्यू हमारे पास आ गई बी कोस थीटा रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई रूट ऑफ बी स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा प्लस ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा. दिस इज अवर डी वन. ऐसे ही हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको हम D2 नाम दे देते हैं, D2 ऑफ कौन सा पॉइंट दिया हुआ है, माइनस रूट ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर टू 1. अब पॉइंट हमारा ये है, इसे करेंगे तो D2 की जो वैल्यू बनेगी वो हमारे पास क्या बन जाएगी, पॉइंट हमारा दिस दिस इनटू दिस बी कोस थीटा माइनस ऑफ रूट ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इंटू क्या बन जाएगा, 0 ही बनेगा. यहाँ पे भी हमारे पास ए साइन थीटा इंटू 0, तो 0 ही लिख देता हूँ मैं, 0 एंड माइनस का ए बी डिवाइडेड बाई रूट ऑफ सेम बी स्क्वेयर को स्क्वेयर थीटा प्लस ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा. ये माइनस माइनस में बाहर कॉमन अगर ले लूँ तो माइनस 1 और मॉडुलस की वजह से उसको हम प्लस रख लेंगे, तो ये वैल्यू मेरे पास बन जाएगी बी कोस थीटा रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर एंड प्लस का ए बी, ऐसे हो गया डिवाइडेड बाय बी स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा प्लस ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा. दिस इज डी टू. अब ये मॉडुलस की वजह से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा. हमने क्या किया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ही तो लेना हमने, d1 into d2 लेना है. यहाँ पे हमारे पास d1 की वैल्यू ये थी,
बी कॉस थीटा रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर माइनस ए बी, और जब मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, ये माइनस मैंने पॉजिटिव पहले बता दिया, इसको मल्टीप्लाई करें इनटू बी कॉस थीटा रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर प्लस प्लस का ए बी डिवाइडेड बाई, सेम वैल्यू है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका स्क्वेयर रूट हट जाएगा, हमारे पास वैल्यू हो जाएगी बी स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा हो जाएगा। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसका स्क्वेयर करेंगे बी स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा, बी स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा, ये भी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर एंड माइनस ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर। नीचे वैल्यू हमारे पास क्या है, बी स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, अलग अलग अगर मल्टीप्लाई करें बी स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा ए स्क्वेयर हो गया, ठीक है, हमने a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, बी कॉस स्क्वेयर थीटा ए स्क्वेयर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का बी की फोर, बी की फोर कॉस स्क्वेयर थीटा, बी की फोर कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस का ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई बी स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। इनमें सब में से मैंने बी स्क्वेयर कॉमन आ रहा है तो मैं बी स्क्वेयर बाहर ले लेता हूँ, बी स्क्वेयर यहाँ पे बचा ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा, ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा, यहाँ पे बचा हमारा बी स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा एंड माइनस का ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाई बी स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, यही चाहिए हमें, बाकी सारा खत्म होना चाहिए। अब यहाँ पे ए स्क्वेयर के साथ साइन स्क्वेयर है तो कॉस स्क्वेयर को साइन में बदल लीजिए, बी स्क्वेयर ए स्क्वेयर इंटू वन माइनस साइन स्क्वेयर थीटा माइनस का बी स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाई बी स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, मल्टीप्लाई करेंगे इसको ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, क्या बन गया माइनस का बी स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाई बी स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। ए स्क्वेयर से ए स्क्वेयर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, इसमें से माइनस कॉमन हो गया, तो डी वन इंटू डी टू की जो वैल्यू बनी हमारे पास वो क्या आ गई, माइनस कॉमन होके ए स्क्वेयर या हाँ ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा प्लस बी स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा इंटू बी स्क्वेयर भी था हमारे पास पहले आगे इज इक्वल टू बी स्क्वेयर भी है एंड डिवाइडेड बाई बी स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा, बी स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस का ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, ये कैंसिल होके माइनस वन बट मॉडुलस की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा तो ये वैल्यू क्या हो गई बी स्क्वेयर, तो हमारे पास डिस्टेंस क्या होगी बी स्क्वेयर, यही हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 ये आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, पूरे चैप्टर का भी आपका ही लास्ट क्वेश्चन है। स्टेटमेंट क्या कहता है, अ पर्सन स्टैंडिंग एट द जंक्शन और क्रॉसिंग ऑफ टू स्ट्रेट पाथ रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, मतलब वो उनके इंटरसेक्शन पे खड़ा है, इंटरसेक्शन पे वांट्स टू रीच द पाथ हुज इक्वेशन इज, कोई एक ऐसा पाथ है जिसकी इक्वेशन 6x माइनस 7y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 है, यहाँ से इन द लीस्ट टाइम, लीस्ट टाइम मतलब जो उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, तो हमें यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस के ऊपर चलना है, बस सिंपल सा इसकी इक्वेशन बतानी है, फाइंड इक्वेशन ऑफ द पाथ दैट ही शुड फॉलो, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए, लाइंस क्या क्या दी हुई हमें, गिवन लाइंस
पहली लाइन है हमारे पास 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, लेट दिस इज 1 एंड 2। पहले हम इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। इसको सॉल्व करें तो क्या बनेगा, इनको इक्वेशन 1 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और सेकंड को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 टू जा 8x माइनस का 12y प्लस का 16 इज इक्वल टू 0, 3 से मल्टीप्लाई करें 9x प्लस का 12y माइनस 3 से मल्टीप्लाई करें 15 इज इक्वल टू 0, ये ऐड कर दिया हमने 17x और यहाँ पे हमारे पास बचा प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, मीन्स एक्स की वैल्यू माइनस 1 अपॉन कितना हो गया, 17 हो गया। एक्स की वैल्यू माइनस 1 अपॉन 17, 1 इधर जाके माइनस का हो जाएगा। ऐसे मैंने पहली इक्वेशन को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 6x माइनस का 9y, इसको इधर लेके जा रहा हूँ मैं, तो माइनस का कितना हो जाएगा 12। सेकेंड इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 3 जा 6x प्लस का 8y, इधर जाके प्लस का 10 हो जाएगा। आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, अब की बार ये कैंसल, माइनस का 17y और ये हो गया माइनस का 22 और ये माइनस के 17y, माइनस से माइनस कैंसल, y की वैल्यू 22/17। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास आ गया माइनस 1/17 एंड 22/17, ये पॉइंट आ गया। तो हमें ये लाइन जो इसके परपेंडिकुलर होगी, पहले हम इसका स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ पाथ, पाथ कौन सा है, 6x माइनस 7y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। स्लोप कैसे निकलेगा, 7y इज इक्वल टू 6x प्लस 8, मीन्स y इज इक्वल टू 6 अपॉन 7x प्लस का 8। स्लोप क्या हुआ, स्लोप हो गया हमारे पास m इज इक्वल टू 6/7। किसका स्लोप हुआ, इसका। अब स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर पाथ, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर पाथ माइनस कर देंगे, उल्टा कर देंगे, माइनस 7/6, क्योंकि m1 इंटू m2 माइनस 1 होता है, तो ये हो गया। अब इस पॉइंट में से पास कर रही है, पॉइंट कौन सा है मेरा, माइनस 1/17 22/17, और उस लाइन का स्लोप है माइनस 7/6। सो इक्वेशन ऑफ पाथ हैविंग स्लोप माइनस 7/6 एंड पासिंग थ्रू पॉइंट माइनस 1/17 एंड 22/17, क्या बनेगा हमारा, y माइनस y1 मीन्स 22/17, m हमारा हो गया माइनस 7/6, x माइनस x1 प्लस का 17, एलसीएम यहाँ पे 17 हो गया, 17y माइनस का 22 माइनस 7/6, 17x प्लस का 1, 17 से 17 कैंसिल कर दिया, ये हो गया 102y माइनस का 132 माइनस का 119x एंड माइनस का 7। आप इधर ले आए, 119x प्लस का 102y, ये प्लस का हो जाएगा, तो माइनस के 125 इज इक्वल टू 0 इज योर रिक्वायर्ड पाथ, जिसके ऊपर वो चल के लीस्ट टाइम में पहुंच सकता है। ठीक है, चलिए, ये था आपका लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का भी, इस चैप्टर का भी। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के क्वेश्चंस के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।